मैं खेलेगा। ये शब्द एक 15 साल के लड़के के मुंह से निकला था जब वह खून से लथपथ था। यह घटना तब घटी जब दिसंबर 1989 में अपने करियर का केवल चौथा टेस्ट मैच खेलते हुए तेंदुलकर पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ थे, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनिस और इमरान खान जैसे खिलाड़ी शामिल थे। भारत ने अपने दौरे के पहले 3 टेस्ट ड्रा कराए थे। चौथा और आखिरी टेस्ट के दूसरी पारी में 25 रन में 5 विकेट्स पर सिमटने के बाद वे हारने की कगार पर थे। तेंदुलकर क्रीज पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उस टीनेजर पर हमला करने के लिए तैयार थे। तब एक हुक शॉट खेलने का प्रयास करते समय वकार की शॉट तेज गेंद तेंदुलकर की नाक के ऊपर लगी। तेंदुलकर के पूरी शर्ट खून से लथपथ हो गई। जब मेडिकल सपोर्ट चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि सचिन मैदान छोड़ सकते हैं, सचिन की कर्कश आवाज आई जो कह रही थी, मैं खेलेगा। तेंदुलकर ने वकार द्वारा फेंकी गई अगली 2 गेंदों पर उस मानसिक स्थिति में और अपनी नाक में पट्टी लगा होने के बाद भी 2 चौके लगाए। इसके बाद न केवल तेंदुलकर ने 57 रन बनाए बल्कि सिद्धू ने भी 97 रन बनाए, जिससे भारत ने उस दिन एक भी विकेट नहीं खोया और अंततः टेस्ट मैच ड्रा कराने में सफल रहा। अगर हम सचिन के बचपन पर नजर डालें, सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी भाषा के नॉवलिस्ट और पोएट थे, जबकि उनकी माँ रजनी बीमा उद्योग में काम करती थी। बचपन में तेंदुलकर को टेनिस और क्रिकेट दोनों में रुचि थी। उनके बड़े भाई अजीत उन्हें दादर के शिवाजी पार्क में क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए, लेकिन उनकी पहली मुलाकात में तेंदुलकर आचरेकर को प्रभावित नहीं कर सके क्योंकि कोच द्वारा उन्हें देखने के कारण वह कॉन्शियस महसूस कर रहे थे। अजीत ने कोच से अनुरोध किया कि उसे खेलने का एक और मौका दिया जाए, लेकिन एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते रहे। इस बार तेंदुलकर ने बहुत बेहतर खेला और उन्हें आचरेकर की एकेडमी में स्वीकार कर लिया गया। आचरेकर उन्हें सुबह और शाम को कोचिंग करते थे और तेंदुलकर घंटों अभ्यास करते थे। थक जाने पर आचरेकर स्टंप के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख देते थे और जो गेंदबाज तेंदुलकर को आउट करता था उसे सिक्का मिल जाता था। यदि तेंदुलकर बिना आउट हुए सेशन पूरा कर लेते थे तो कोच उन्हें सिक्का देते थे। तेंदुलकर को अपने जीवन में कई पुरस्कार मिले, जिनमें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न शामिल हैं। संन्यास के बाद भी सचिन क्रिकेट से जुड़े रहे। वह खेल के लिए एक मेंटर, कमेंटेटर और एम्बेसडर हैं। वह क्रिकेट के प्रति अपने प्यार और दूसरों की मदद करने के जुनून से लोगों को प्रेरित करते हैं।